अस्सलामु अलैकुम किड्स, आज मैं आपको एक हॉन्टेड फॉरेस्ट की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में फैबी नामी लड़की अपने दादा, दादी, अम्मी और बहन के साथ रहती थी। गांव के करीब ही एक खौफनाक जंगल था। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में खौफनाक जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। आज तक जो भी इस जंगल में गया वापस कभी नहीं आया। वहाँ का एक खौफनाक देव उन्हें खा जाता है। यही वजह थी कि गांव वालों ने जंगल और गांव के दरमियान एक दीवार बना दी ताकि कोई भी इस जंगल में ना जा सके। फैबी एक बहुत बहादुर लड़की थी। इसे महामजोई का बहुत शौक था। वो जब भी इस दीवार के पास से गुजरती इसमें जंगल को देखने का तजस्सुस पैदा होता। वो अपनी दादी और इनकी दोस्तों से भी इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनती। एक दिन उसने अपनी मामा से अपने बाबा के बारे में सवाल किया, जिस पर इसकी मामा ने इसे बताया कि इसके बाबा भी एक दिन इस जंगल में गए थे और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आए, जिस पर फैबी का तजस्सुस और भी बढ़ गया और इसने सोचा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि इस जंगल में ऐसी भी कौन सी बला है जो किसी को वापस ही नहीं आने देती। एक दिन वो इस दीवार को फलांगने के लिए इस पर चढ़ने ही वाली थी कि एक लड़के ने आकर इसे मना किया और इसकी दादी को भी बता दिया। दादी ने इसे आइंदा ऐसा कुछ भी करने से मना किया, लेकिन इस बार फैबी ने जंगल में जाने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक मेला लगा जहां सब बच्चे बड़े लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे थे। फैबी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और भागकर उस दीवार की तरफ गई और इस पर चढ़ने लगी। इसने जल्द ही वो दीवार पार कर ली। जब वो जंगल में पहुंची, तो इसने वहां एक खौफनाक मंजर देखा। वहां बहुत से खौफनाक दरख्त थे जो एक अजीब हंसी के साथ फैबी का इस्तकबाल कर रहे थे। ये मंजर देखकर एक दफ़ा तो फैबी बहुत घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ी। फिर इसने वहाँ बातें करते हुए दरख्तों को देखा। वो सब इसे वापस गांव की तरफ जाने का कह रहे थे। फैबी इनकी बातों पर कान ना धरते हुए आगे बढ़ी। एक दरख्त ने जब देखा कि ये बहादुर बच्ची अपने मकसद से नहीं हटेगी, तो इसने फैबी को एक हिफाजती नेकलेस दिया और कहा कि ये नेकलेस तुम्हारे आगे के सफ़र में काम आएगा। फिर फैबी ने कुछ ही सफ़र के बाद एक दरवाज़े को देखा। वो दरवाज़ा अचानक खुल गया और फैबी उसमें दाखिल हो गई। अचानक एक पिंजरा फैबी पर आ घिरा। फैबी अपने नेकलेस की मदद से इसमें से आज़ाद हो गई। फिर इसने बहुत से क्रिएचर्स को भी पिंजरों में कैद देखा और इन्हें कैद से आज़ाद कर दिया। जब वो इन्हें कैद से आज़ाद करके आगे बढ़ी, तो इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और फिर अगले ही लम्हे वो अपने सामने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक खौफनाक चुड़ैल को देखकर घबरा गई। चुड़ैल ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी, लेकिन फिर एक दिन जब मैं इस दरवाज़े में दाखिल हुई, तो एक चुड़ैल ने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मुझ पर एक ऐसा जादू किया कि जिससे मैं भी दिन ब दिन एक चुड़ैल में तब्दील होने लगी और इस जंगल में किसी मददगार की तलाश में भटकने लगी
आखिर आज मेरी तलाश ख़त्म हो ही गई। फिर उस चुड़ैल ने फैबी को एक बोतल देते हुए कहा कि इस बोतल में मौजूद जादुई पानी की मदद से तुम उस चुड़ैल को ख़त्म कर सकती हो और इस काम को सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकती हो, क्योंकि तुम एक इंसान हो। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली गई और फैबी उस बुरी चुड़ैल की तलाश में आगे बढ़ी। फिर उसने अपने सामने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा। वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था कि फैबी ने वो जादुई लिक्विड उस पर गिरा दिया और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर एक इंसान में तब्दील हो गया और एक मुकम्मल इंसान बन गया। फैबी हैरान कुन नज़रों से इसे देखने लगी। आदमी ने अपने बारे में इसे बताया कि मुझे इस जंगल में से किसी की रोने की आवाज़ें आती थीं, तो एक दिन मैं इन आवाज़ों के राज को मालूम करने के लिए यहाँ आया। फिर एक चुड़ैल ने मुझे एक देव बना दिया और मैं अपने होश खो बैठा। फिर जो भी इस जंगल में आता मैं उसे खा जाता। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। फैबी ने इन्हें तसल्ली दी कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप शर्मिंदा ना हो, ये सब तो उस चुड़ैल ने किया है। और फिर उन अंकल ने फैबी से उसके बारे में पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। फैबी ने अंकल को अपने और अपनी फैमिली के बारे में जब सब कुछ बता दिया तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये तो आप मेरी फैमिली की बात कर रही हो, इसका मतलब आप मेरी बेटी फैबी हो। बाप बेटी जब एक दूसरे से मिले तो बहुत खुश हुए। अचानक इनके सामने एक बहुत खौफनाक चुड़ैल आ गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फैबी ने फौरन उस पर वो जादुई पानी फेंका और वो जलने लगी और रो रो कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। फैबी को इस पर रहम आ गया और इस नेकलेस की मदद से इसने इस आग को बुझा दिया और इतनी ही देर में वो सफ़ेद कपड़ों वाली चुड़ैल भी वहाँ आ गई और फिर वो दोनों बैंशीज़ वहाँ से चली गईं। अब दोनों बाप बेटी इस दरवाज़े से बाहर निकले तो वो दरवाज़ा गायब हो गया और वो जंगल भी एक खूबसूरत जंगल में तब्दील हो गया। फिर वो दोनों घर की तरफ चल दिए। घर में सब फैबी की गैर मौजूदगी पर बहुत परेशान थे। जब फैबी और इसके बाबा घर में दाखिल हुए तो सब इसके साथ बाबा को देखकर बहुत खुश हुए और सब हंसी खुशी रहने लगे। गांव वाले भी बहुत खुश हुए और सब ने मिलकर उस दीवार को तोड़ दिया। अब सब उस जंगल में जा सकते थे और यह सब फैबी की बहादुरी से मुमकिन हुआ था। तो बच्चों, हमें भी हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, डट कर हर मुश्किल का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ फैबी ने एक गलती ज़रूर की जो किसी को बताए बगैर ही जंगल में चली गई। आप ऐसा कभी भी ना करना। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।